एक्सेलेटर के वेस्टर्न बॉक्स और उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा पैनासोनिक का 308 लीटर के अंदर रेफ्रिजरेटर है और सिमिलर कॉम्पिटिशन का भी सेम साइज के अंदर 310 लीटर के अंदर है। आज मैं बताना चाह रहा हूँ ये वेस्टर्न बॉक्स के अंदर ये जो चीज हम लोग दे रहे हैं वेस्टर्न बॉक्स वो 35 लीटर का दे रहे हैं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वेजिटेबल बॉक्स है। इसके साथ साथ हम वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर ये टफन ग्लास सेल्फ जो देते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनी है वो इस साइज के अंदर जो है वो इसके ऊपर टफन ग्लास सेल्फ नहीं देती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये सेम साइज के अंदर ये रेफ्रिजरेटर है, ये आप देखना चाहते देख सकते हैं, इसके ऊपर ही अग्रेसिव सीट आई हुई है। इसके ऊपर ही बेनिफिट, इसका नुकसान ये होता है जैसे कोई आप बड़ा बर्तन है या कोई भारी चीज इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो उसके क्रैक होने के चांसेस ज्यादा है। वही सेम चीज यदि आप पैनासोनिक में यूज करते हैं तो यहाँ पे हम टफन ग्लास सेल्फ देते हैं जो कि 100 केजी तक टेस्टेड है हमारी, यानी कि आप इसके ऊपर जो है 100 केजी तक का वेट रख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके जो है डोर पॉकेट्स की भी बात करेंगे, आप डोर पॉकेट की भी बात करेंगे इसके अंदर निकाल सकते हैं। इसके अंदर इसका डोर पॉकेट और कॉम्पिटिशन का डोर पॉकेट आप देखेंगे तो दोनों में जो है वो काफी डिफरेंस आ जाएगा, आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं दोनों का। दोनों का साइज देखिए, सेम साइज के अंदर रेफ्रिजरेटर है, दोनों का पॉकेट है, ये पॉकेट इसके अंदर आराम से आ जाए, इजिली आ जाता है बिकॉज ये बहुत छोटा है। बड़ा पॉकेट होने की बेनिफिट ये मिलते हैं आपको कि आप इसके अंदर बड़े से बड़ा जो कंटेनर सेट है, कोई आपका मसाले हैं, कोई फ्रोजन आइटम पैकेट है, दूध का है, वो आराम से आप इसके अंदर रख सकते हैं जो कि आप इसमें नहीं रख पाएंगे बिकॉज इसका साइज जो है बहुत छोटा है। थैंक यू सो मच।